दोस्तों बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से प्रधानाध्यापक के लिए कुछ पदों पर यहाँ पे जो है वैकेंसी निकल कर आया है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के कुल 6421 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के निवासी उम्मीदवारों से विविध प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यहाँ पर जो वैकेंसी निकल कर रहा है, जिसमें वैकेंसी को फिल करने का जो फॉर्म फिल करने का वो डेट है, यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली मेंशन है ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि। यहाँ पे जो फर्स्ट डेट है वो है 5/3/2022 से लेकर 28/3/2022, ये डेट के बीच में आपको फॉर्म फिल कर लेना है। इसके बाद फॉर्म फिल करेंगे तो नहीं हो पाएगा, ये लास्ट डेट है 28/3/2022। तो 5 तारीख से लेकर 28 तारीख के बीच में आपको डेट है, तो आप इसके बीच में फॉर्म फिल कर ले। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ लिखा हुआ, जैसे कि उपयुक्त विज्ञापन के संबंध में विस्तृत सूचना विवरणी जानकारी एवं ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु निदेश आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic पर प्रदर्शित है। अब यहाँ पर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप bpsc.bih.nic.in पर जाकर यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। खैर वो मैं आपको अभी दिखा ही देता हूँ। देख सकते हैं कुछ यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन कैसे भर करें, यहाँ पर पूरा मेंशन है। जहाँ पर आपको जो सबसे मैंडेटरी है वो यहाँ पर आपके पास ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर तो होना ही चाहिए। ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बिल्कुल मैंडेटरी है, होना चाहिए। और यहाँ पे जो आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे जाना है जो कि है www.onlinebpsc.bihar.government.in, इसी वेबसाइट पे जाकर आप ऑनलाइन फॉर्म फिल होगा। और जब फॉर्म फिल हो जाएगा तो वहाँ पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाएगा, जिसके बाद आप जब चाहे उसमें लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आपको ये पूरी पढ़नी है तो मैं इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, या फिर आप जैसा कि देख सकते हैं अभी पढ़ सकते हैं यहाँ से। तो आप कुछ इस प्रकार का यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। तो इंस्ट्रक्शन अप्लाई यहाँ पे देख सकते हैं, इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन फॉर्म है। और यहाँ पे कुछ हेल्पलाइन चाहिए आपको तो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी है। कुछ भी हेल्प आप चाहिए, यहाँ पे कोई भी क्यूरी आपकी, तो यहाँ पे आप कॉल कर इसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों यही थी एक अपडेट जो मैं देना चाहता था। तो ऐसे ही अपडेट जानने के लिए, लेटेस्ट जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। धन्यवाद।